हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं डिनर में बना रही हूँ बिरयानी। सारी कुछ तैयारियाँ हो गई हैं, बस जो उसका लास्ट एक स्टेप है, चीज़ें सब असेंबल करके दम पे देना होता है, तो बस मैं वही उसी सब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लेयरिंग करी है छोले से। छोला मसाला जो है वो मैंने बनाकर तैयार कर लिया था, उसकी एक लेयर डाली। उसके बाद राइस, थोड़ा सा धनिया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा प्याज और काजू। इसको मैंने पहले फ्राई कर लिया था, उसके बाद थोड़ी सी किशमिश, और फिर से मैं यही स्टेप फॉलो करूँगी और जितना भी सारा मसाला था, चावल था, वो इस तरह से लेयर कर दूँगी। उसके बाद मैंने सबसे टॉप लेयर पे डाला है थोड़ा सा घी, और आज मैं मिस करूँगी इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस और थोड़ा सा केसर। ये सब चीज़ें अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसके बिना ही बिरयानी बना रही हूँ आज। मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। मैं आपको टीवी देख रही हूँ, बट मैं उठी नहीं हूँ। पता नहीं यार क्यों मुझे आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज जबकि मैं लेट उठी हूँ, जो मेरा रेगुलर टाइम है उससे काफ़ी लेट उठी हूँ, इसके बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है। और सोचा हूँ यार बहुत नींद आ रही है। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाया है बेसन का चीला। बिल्कुल सिंपल सा बैटर मैंने रेडी किया था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, नमक और धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ी सी हल्दी, और जो स्टफिंग है उसमें मैंने लिया है प्याज और पनीर। इस स्टफिंग के बिना मेरा हर चीला बिल्कुल इनकम्प्लीट है। आज अजमेर से कुछ 10-11 दिन आने के बाद ये घर बहुत अच्छा, मतलब कंडीशन में हो गया है और बहुत अच्छे से सब चीज़ें अरेंज हो गई हैं। कल रात मैंने आपको अपनी किचन भी दिखाई थी। कुछ कंटेनर्स जो मैंने आपको दिखाए थे, मैंने ऑर्डर किए, तो उनकी हेल्प से मुझे मेरी चीज़ें और किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पैक्ड ही रखी थी, क्योंकि मेरे पास कंटेनर्स थोड़े से कम थे। मैं सच में किचन में आती हूँ, इस तरफ देखती हूँ ना, बहुत सुकून मिलता है कि मेरी पूरी जो किचन है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। या सारे कंटेनर्स बिल्कुल सेम है और बहुत अच्छे से सारा कुछ, मतलब जितनी भी ग्रोसरी थी ना, सब बहुत अच्छे से मैनेज हो गई है। इवन अभी भी मेरे पास कुछ एक कंटेनर्स खाली हैं, जैसे यहाँ पीछे की तरफ मैंने खाली कंटेनर्स रखे हैं, कुछ और सामान, हाँ जैसे अभी पैक्ड भी है, जैसे यहाँ पर मेरे पास कुछ सामान अभी पैक है जो मुझे अभी नहीं चाहिए था किचन में, तो मैंने अभी से खोला भी नहीं है। इस चीज़ की जो फीलिंग है वो हर एक वुमेन बहुत अच्छे से समझ सकती है। किचन बहुत ही एक क्लोज एरिया होता है हर वुमेन के लिए, उसके दिल के बहुत करीब एक चीज़। कुछ लोगों को चाहते हुए, कुछ लोगों को ना चाहते हुए, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर किसी को खाना नहीं बनाना पसंद तो भी हमारा काफ़ी टाइम, हम कुछ भी कर लें, अगर बाहर ऑफिस भी है, कुछ भी काम है, बिजनेस है, कुछ भी है, तो हमें किचन में आना पड़ता ही है, खाना बनाना पड़ेगा ही। आप कुछ भी कर लो, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, तो एटलीस्ट आपकी मॉर्निंग की स्टार्टिंग किचन से होती है। फिर चाहे आप पूरे दिन के लिए कोई हाउस हेल्पर ले लो जो आपको खाना बना कर दे। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए बाथरूम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। वेल, मेरे लिए किचन है। जब हम लोग घर ढूंढ रहे थे तब मेरा मेन फोकस किचन की तरफ था। मैंने प्रशांत को भी बोला था, तुम प्लीज़ मतलब रूम में मैं थोड़ा सा, या पूरे घर में थोड़ा बहुत, कहीं कुछ कम होगा चलेगा, किचन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पर यू नो खाना बनाने का मन करे और चीज़ें थोड़ी सी फंक्शनल हो। आज लंच में मैं बना रही हूँ अपने लिए काली दाल की खिचड़ी। एक बार ब्लॉग में मैंने पहले भी ये चीज़ डिस्कस करी थी। मेरा खाने का मन कर रहा था, लेकिन प्रशांत ने कभी नहीं खाई है, तो मैंने उस दिन रिस्क नहीं लिया। इसलिए आज मैं सिर्फ अपने लिए लंच में काली दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक रेसिपी है। मैंने इसके लिए यहाँ पर लिया है प्याज और लहसुन, दोनों को पतला पतला चॉप कर लिया है, और यहाँ मैंने भिगो कर रखा है काली दाल और चावल को, इक्वल प्रपोर्शन में लिया है मैंने।
कुकर में मैं इसे बनाने जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें ज़ीरा और हल्का सा हींग डाला। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज और लहसुन। उसके बाद धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब मैं इसमें घी वाला पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने सुबह जो पनीर बनाया था चीले की स्टफिंग के लिए, ये उसका पानी है, तो बस मैं वही सेम पानी इसमें ऐड कर दूँगी। जब भी घर पे पनीर बनाते हैं तो पनीर निकालने के बाद जो पानी बच जाता है दूध से, काफ़ी न्यूट्रिशियस एक पानी होता है। तो हम जैसे घर पे बहुत ज़्यादा, मतलब हफ्ते में एक बार तो पनीर बन ही जाता है घर पे हमारे, मतलब होममेड पनीर, वो जो वाइट वाले पनीर की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जब भी पानी हम लोग इस तरह से बनता है जो बचता है, तो उसे कोशिश करते हैं किसी ना किसी ग्रेवी में, सब्ज़ी में, या जैसे कि आज मैं खिचड़ी में यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से यूज़ कर लें। और अब बस इसमें मैंने जो ये दाल और चावल सोख करके रखा था वो मैं, लास्टली आई एम गोइंग टू ऐड सम सॉल्ट इन टू इट। और बस कुकर का जो लिड है वो मैंने लगा दिया है, और एक विसल आने तक वेट करना है, हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो जाएगी। एक बार तो मैंने सोचा मैं ना मैगी बनाकर खा लेती हूँ, और छोड़ो कौन बनाए खाना अपने लिए। मेरे मेरे साथ एक चीज़ है, और मैंने देखा है वैसे बहुत लोगों के साथ ये होता है, खाना बनाना पसंद है तो भी हम किसी और के लिए कुक कर लेते हैं बहुत खुशी खुशी, लेकिन जब सिर्फ खुद के लिए बनाने की बात आती है मुझे बहुत, मतलब ऐसे लगता है छोड़ो यार नहीं करना। मतलब मम्मी, मनी, शुभम, प्रशांत मुझे रात के 3 बजे भी कुछ बनाने बोलेंगे ना मैं बना दूंगी, लेकिन मुझे कितनी भी भूख लग रही हो ना मैं टालती रहती हूँ कि ठीक है, मतलब। और घर पे ऐसा करती थी, सबसे पूछती थी सैंडविच खाना है, चाय पीनी है, ये करना है, अगर किसी को कुछ, मतलब कोई हाँ बोले तो ठीक है मैं बना लूँगी। बन गई मेरी खिचड़ी। इसमें ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, वरना ये बिल्कुल पुलाव की तरह एकदम खिली खिली बनती है, और मुझे खिली हुई ही पसंद है। ऐसा नहीं मूंग की दाल की तरह आप इसको बहुत ज़्यादा मैशी बनाओ। लंच के बाद इधर सो गई थी मैं, और अब उठी हूँ, एकदम से मुझे याद आया कि मैं अब और नहीं सो सकती, मुझे करनी है एडिटिंग, क्योंकि आज मुझे वीडियो अपलोड करना है। कल एक्चुअली मुझे करना था बट कल मैंने किया नहीं, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए कल मैंने किया नहीं। आज मुझे एनी हाउ रात तक व्लॉग एडिटिंग कंप्लीट करके अपलोड करना है। मैं खाई हूँ चॉकलेट मंच, जितनी भी वेफर वाली चॉकलेट होती है ना उसमें वेफर और चॉकलेट होता है, जैसे किटकैट है, मंच है, पर्क है। मुझे बचपन से, मतलब सच में बचपन से मंच पसंद है, और प्लेन में आई थिंक सबकी फेवरेट एक ही है, डेरी मिल्क। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है संडे, और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है चाय पोहा। मैं चाहती थी आज कुछ, मैं थोड़ा सा स्पेशल कुछ ब्रेकफास्ट बनाऊं, बट प्रशांत को यही खाना है तो मैंने बस अभी यही बनाया। और इसके बाद हम लोग जाएंगे आज सब्ज़ी मंडी सब्ज़ी लेने। हमें यहाँ पर जो सब्ज़ी मंडी है वो पता चल गई है फॉर्चुनेटली, तो अब हम सब्ज़ी वहाँ से लेते हैं। अदरवाइज़ अभी तक हम जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होते हैं ना सिटी में, उनसे ले रहे थे, बट सब्ज़ी मंडी हमारे घर के मतलब पास तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो हम वीकली या फिर कुछ दिनों में मतलब वहाँ पर जा सकते हैं। मम्मी के बताए हुए मेथड से मैंने मलाई से मक्खन निकाल लिया है सक्सेसफुली, और अब मैं इसे गर्म करने के लिए रख दूँगी ताकि इससे घी बन जाए। घी बन गया मेरा, मैं बस अब मम्मी को दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं इस चीज़ के लिए, और थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं निकाला, और ख़राब हो जाता है कई बार। आज संडे स्पेशल लंच में मैंने बनाया है आलू का पराठा, दही, और उसके साथ टमाटर की चटनी। आज ये जो लंच है ये भी प्रशांत की डिमांड पर है।
कल का दिन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही कम कैप्चर किया। मेरा संडे ना थोड़ा सा कम ही आता है कैमरा में, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा सा फ्री मूड में रहना पसंद करती हूँ और अच्छे से जो भी मोमेंट है, जो भी टाइम है, उसे इंजॉय करना होता है। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट। और अब मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं एक्चुअली ये लंच है, लंच के लिए मैं आज बना रही हूँ अरबी। ब्रेकफास्ट अभी तक मुझे समझ नहीं आया क्या बनाऊँ, प्रशांत से पूछा तो उनका तो हमेशा बस एक ही आंसर होता है, दूध पराठा, चाय पराठा। देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। पोहा मैंने कल बनाया था। एक तो मेरा साइनस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस वक्त पे, मुझे अच्छा खासा रिलीफ था कुछ मंथ से, और अभी ना मार्च से मेरी जो ये एलर्जी है, जो मेरा साइनस है, वो बहुत मुझे परेशान कर रहा है। और मुझे पता है किससे ठीक होगा, और मैं मतलब लास्ट टाइम मेरा किससे ठीक हुआ था, और अभी मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं करूँगी बट कर नहीं रही हूँ। लेकिन आज सच में आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, किसी भी चीज़ के लिए मन नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए। तो आज मैं 102% वो ट्राई करने वाली हूँ, और इस बार भी अगर मैं उससे ठीक होती हूँ ना, आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है साइनस बहुत लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं, और एलोपैथी में इसका कुछ सॉलिड सा ट्रीटमेंट नहीं है, आई नो दैट। तो जो भी चीज़ मैं करती हूँ इस बार मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वो मेरे लिए वर्क करती है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है चाय पराठा ही, और थोड़ी सी नमकीन ली है। आई नो प्रशांत को ये ज़रूर चाहिएगी चाय पराठे के साथ। और ये बनाया मैंने अरबी मसाला, इसकी रेसिपी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, थोड़ी सी जल्दी भी थी और बताया था मैंने आपको तबीयत ठीक नहीं है। इसकी रेसिपी मैंने अलग से अपने चैनल पर डाली हुई है, मतलब अलग से रेसिपी वीडियो ही है, तो मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी होती है बहुत ही कम टाइम में, और इतनी टेस्टी कि मुझे अरबी बिल्कुल पसंद नहीं थी, मैंने कभी नहीं खाई थी अरबी की सब्ज़ी, और जब से मैं इस तरह से अरबी मसाला बनाने लगी हूँ मुझे अरबी बहुत पसंद आती है। मैंने भाभी से बात करी, भाभी की तबीयत ख़राब हो गई है, आयांश की कल तबीयत ख़राब थी, तो मैंने आयांश की तबीयत पूछने के लिए कॉल किया, और फिर अब पता चला कि भाभी को भी फीवर हो गया। कल हम करेले भी लाए थे बट कल मैंने बनाए नहीं, तो मैं अभी डिनर से पहले करेले बना रही हूँ, स्टफ़ करके आज मैंने बनाए हैं। यहाँ मेरा राजमे का जो तड़का है वो बनकर रेडी है, राजमा बॉईल हो गया है, मैंने तड़का ऐड कर दिया है राजमे में। अब एक दो विसल आने तक मैं इसे और कुक करूँगी। करेले बनाए मैंने तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं। रुको तो। नहीं। चावल ये क्या? पनीर? ये पनीर किस एंगल से देखा था दिखा मैं? है ना पनीर, ऐसा पनीर बनाऊंगी जो ढूंढना पड़े तुम्हें। हाँ चटनी है। चटनी। अच्छा गैस करो इसमें क्या होगा। दाल। कौन सी दाल? कौन सी दाल? काली दाल होगी। काली दाल होगी। काली दाल के साथ चावल खाते होंगे। आज मैंने डिनर में बनाया है ज़ीरा राइस, राजमा और पुदीने की चटनी। वैसे ये जो कॉम्बिनेशन है वो लंच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, डिनर के लिए काफ़ी हैवी है, बट प्रशांत के ऑफिस की वजह से मैं ये सब चीज़ें अभी लंच में नहीं बना रही हूँ। और अब मैं इस व्लॉग को आज यहीं ख़त्म कर रही हूँ, आप लोगों से मिलूँगी फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।